जी हाँ, तुझसे है राबता खिलेट स्टार यानी कि रीम शेख। जी हाँ, रीम शेख पिछले कई दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म यानी कि गुल मकाई को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। तो चलिए आज अपने इस खास रिपोर्ट में आपको सीधा लेकर चलते हैं रीम के और उनके डायरेक्टर यानी कि फिल्म के प्रोड्यूसर अजमात खान के पास, जहां आपको खुद ही रीम की जुबानी सुनाते हैं कि आखिरकार उन्हें ये मूवी में आने का मौका किस तरह मिला। सुनिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन गुल मकाई सर, ये एक ऐसी फिल्म जिसकी चर्चा मतलब हर तरफ हो रही है, सोशल मीडिया पर भी अगर हम बात करें रीम जी, सो हम बात कर रहे थे 20 मिलियंस ऑफ व्यू आ चुके हैं। हालांकि ये फिल्म आप बहुत लंबे टाइम से लाना चाहते हैं, कुछ आपकी वो सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। सो सबसे पहले कैप्टन आप सबसे बात करेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म का, जिससे कि आप लंबे टाइम से लाना चाहते हैं, अब फिल्म फाइनली 31 जून को ये फिल्म आ रही है। एक बड़ा लंबा सफ़र है ये, क्योंकि एक ऐसा मुल्क की बात है, उस मुल्क की बात है जो हमसे अलग होने के बाद से जंग शुरू कर दिए थे। जैसे दो भाई जब अलग हो जाते हैं घर में, और फिर वो भाभी आ जाती है घर पे, फिर भाभी बात करने लगती है, तो दो भाई में एक शुरू हो जाता है। तो वो डिप्लोमेटिक वे में शुरू हुआ था दो कंट्री का लड़ाई। 55 करोड़ रुपये लेके अलग तो हो गए थे ये, लेकिन उस 55 करोड़ में इन लोग तैयारी अपना कर लिए थे कि 32 करोड़ हम आर्म्स में लगा देंगे। उस कंट्री का ऐसा था, और हमारे पास जो पैसा था हमने उस दौरान सोच लिया था कि हम उसे एजुकेशन में, हमारे लॉजिस्टिक में, हमारे यहाँ का फार्मिंग में लगाएंगे, हम इंडस्ट्रीज़ में लगाएंगे। तो दोनों का भी ऑफ लिविंग, दोनों का डिप्लोमेटिक वे में सरकार को चलाना, देश को चलाने का दोनों का फ़र्क अलग है, और इसीलिए हमारा अनबन रहा है शुरू से। लेकिन जब मैंने मलाला को चुना उस धरती से, तो मैंने ये नहीं सोच के चुना कि मेरी दुश्मन मुल्क की है, मैंने ये सोचा कि ये लड़की एक ग्लोबल आइकन बनेगी जिस पर गोली चली है, क्योंकि गोली चलने के बाद ही मैंने सोच लिया था। तब तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह कुछ मिला ही नहीं था, और छोटे मोटे तबके में लोग इनको जानते थे, और BBC के लिए ये गुलमक के नाम से ब्लॉगिंग करती थी। तो बहुत लंबा सफ़र रहा अब तक का, वो सब चीज़ों को तय करके पर्दे पे लाना ऑथेंटिसिटी के साथ, क्योंकि क्रिटिसाइज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था इस फिल्म के साथ। तो बस लंबा सफ़र रहा वो, फिर विस्तार में बोलना पड़ेगा। आप तब तक रीम को कुछ पूछ लीजिए। रीम जी, कैसा रहा आपकी, हम डेब्यू मूवी कह सकते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जी हमने आपको वजीर में एक किड्स के रोल में देखा था, तो आप बताइए जी कैसा रहा आपका वजीर। वजीर एक्चुअली मैंने सिर्फ इस लालच में की थी दैट मैं मतलब लाइफ में अमित सर के साथ एक फ्रेम में दिख जाऊंगी, मैंने इस लालच में की थी वो फिल्म, बिकॉज अमित सर के साथ एक फ्रेम में दिखना इज़ रियली अ बिग डील। और मुझे एक्चुअली ऊपर अल्लाह के शुक्र से दो बार ये मौका मिल चुका है। आई हैव डन एक ICICI का ऐड किया था अमित सर के साथ, और अब अजीब में भी काम करने का मौका मिला। और उस फिल्म में अमजद सर ने मुझे देखा था, तो आई रिमेम्बर पापा मुझे पहले कहते थे कि बेटा ऐसा नहीं होता है कि छोटे छोटे रोल देख के भी ना कोई बड़े बड़े डायरेक्टर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यू कैन से शायद मेरे साथ हकीकत में ये हो गया। सिर्फ अमित सर के साथ एक सीन था वो उस फिल्म में, लेकिन अमजद सर ने उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म ऑफर कर दी। सो यस, इट्स अ ब्लेसिंग। और गुल मकई इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज ऑफकोर्स मेरी डेब्यू है, और स्पेशल ज़्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज डेब्यू इज़ happening in a biopic film, and that too a biopic on Malala, जो like you know इतनी बड़ी हस्ती हैं, you know she is so inspiring to so many people. तो I think debut इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था मेरा। जी जी, and जब आपको बताया गया कि ये film ये जो है biography के ऊपर based है like Malala जी के ऊपर, so तब आप कितना prepared थी अपने आप को कि हाँ मुझे करना है, या कुछ डर था? सी मलाला के बारे में पता था मुझे, पर इतने डिटेल्स में नहीं पता था। सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड तो पता चला कि इट्स अ बायोपिक, और मुझे पापा ने बड़ा एक्साइटेड होके कॉल किया था कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है। तो फिर उसके बारे में जब हमने और रिसर्च की, सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड थी नेक्स्ट डे मीटिंग पे जाने के लिए। फिर मीटिंग के बाद भी उन्होंने मुझे 6-7 महीना ऐसे ही कुछ बताया नहीं कि मैं सिलेक्ट किया भी है या नहीं, बस एक मीटिंग करके छोड़ दिया था। तो वो बट जितने भी टाइम उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, एक छोटी सी उम्मीद, छोटी सी ही सही पर थी थोड़ी सी, एंड देन एवरीथिंग वर्कड आउट। एंड यू नो मैंने सुना कि जब से ये मलाला जी के ऊपर अटैक हुआ, तब से आपने अपने दिमाग में जहन लेकर लिया था कि मैं इस इनके ऊपर या इस तरह पर इस फिल्म बनाऊंगा। सो जरा कुछ बताना चाहेंगे कि कोई खास वजह, या आप उस
लड़की को लोगों के सामने लाना चाहते थे, क्या कुछ? जिस दिन गोली लगी थी उसी दिन सोचा था, दूसरा दिन मुझे करना था टाइटल लिस्ट। लेकिन इस तरह की हरकत यहाँ पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कर लिया था, जिसके वजह से एक चीफ मिनिस्टर की गद्दी हट गई थी। वो मुझे करना नहीं था नेक्स्ट डे उसका अनाउंसमेंट। मैंने एक 10-15 दिन का इंतज़ार किया और 15 दिन के बाद ही मैंने अनाउंस कर दिया, एक पेपर में आ गया वो कि एक फिल्म बनने जा रही जिसका नाम गुल मकई है, जो मलाला पे बेस्ड है। देखिए तब भी मुझे पता नहीं था कहाँ तक ये पहुँचेंगी, लेकिन ये जंग जो लड़ चुकी थी, आज जो हम उनको सराह रहे हैं या फिर आज जो हम उनकी बात कर रहे हैं, अब उनकी जंग खत्म हो चुकी है। अब उनका अचीवमेंट का दौर चल रहा है और वो स्थापना कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, स्कूल वगैरह सब खोलना या फिर एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, एजुकेशन पे बातें करना, कोर्ट देना अपनी तरफ से एक। लेकिन जंग तो तब ख़त्म हो चुकी थी उनकी, असली लड़ाई जब गोली लगी तो असली लड़ाई वहीं पर उनकी रुक गई। उससे पहले वो लड़ाई क्या थी, वो कौन लोग थे जिनके खिलाफ उन्होंने बोला और कौन लोग थे जो उसे मार देना चाहा, वो क्या संस्था है, वो कौन लोग हैं, एक सरकार में रह के वहाँ पर वो लोग लड़ कैसे पा रहे हैं। ये बात मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जहाँ पर आर्म्स और पावर में इतने पावरफुल लोग, और उसके कंट्री में कोई बैठकर वहाँ पर अपना एक शरीयती लॉ को रखा है सामने, और वो कहता है कि बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, स्कूल तोड़ दिया जा रहा है, घर से औरतें बाहर निकलेंगी नहीं, औरतें सिर्फ खाना बनाएगी और वो आदमियों की सेवा में लगी रहेगी। ये लोग कौन हैं और ये इतने बड़े तादाद में कैसे हो सकता है, और ये बच्ची उनके बारे में जब बोली तो उन लोग मारना क्यों चाहे। बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा मसला है कि आप समझ लीजिए तब लगभग 9 लाख एक्टिव तालिबानी थे पाकिस्तान में, और आप अगर बोलेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि 10,000 टन RDX होगा उनके पास, उनके पास कम से कम कई लाख M16 AK-47 रॉकेट लॉन्चर इस तरह के तमाम हथियार होंगे, लेजर गन भी होते हैं उनके पास। तो वो उतने पावर के खिलाफ एक लड़की एक पेन लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लॉगिंग करती है, और उस ब्लॉगिंग में भी उसका नाम भी छुपाया जाता है उस डर से कि बच्चे को कोई मार ना दे, गुल मकई नाम से ब्लॉगिंग करती है और पूरी दुनिया उसको सराहते हैं, एडम एलिक जैसे लोग आके न्यूयॉर्क टाइम्स से उसका इंटरव्यू करते हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। वो बड़ा इंस्पायरिंग था कि वो कितनी सियाही है और कितना पावरफुल सियाही है जो सारा बारूद को बुझा देगा। तभी मैंने सोच लिया कि इस पर फिल्म बनानी है। कश्मीर सच में जो कहते हैं लोग कि जन्नत है, जन्नत ही है वो जगह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे आप हर एक कोना देख ले तो ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग बनी हुई हो, इतनी साफ इतनी सुंदर है। बहुत मज़ा आया कश्मीर में शूट करके। सिर्फ कश्मीर में एक ही मुश्किल मुझे तब लगती थी जब हमें कश्मीर में रह के समर वाले सीन्स शूट करने होते थे, सर्दी में। हाँ सर्दी में, जनवरी में हम समर सीन भी मैंने कराया है कश्मीर में, जहाँ पे हम लोग जनवरी की ठंड में गए थे। दैट यूज टू बी डिफिकल्ट बट बहुत मज़ा आया एट द सेम टाइम, एक्सपीरियंस था एक। सो आई एम लाइक द होल शूटिंग प्रोसेस हैज़ बीन ब्यूटिफुल, बहुत मज़ा आया है हर एक सीन शूट करते हुए। एंड बर्फ़, मैंने पहली बार एक्चुअली लाइफ में बर्फ़ देखी, एक्सपीरियंस की। सो द शूटिंग पार्ट हैज़ बीन ब्यूटिफुल, द क्रू, द टीम, एवरीवन, सब लोग, एवरीबडी यूज़ टू वर्क हार्ड। ऐसा नहीं था कि लेकिन अगर ये ड्रेस में थे तो सिर्फ ड्रेस का काम करें, नहीं ऐसा नहीं था। वो कभी कभी चाय बांटने का काम भी कर देते थे। भस्वती दी, इवन दो शी इज़ अ राइटर बट यू नो शी हैड अ मेजर पार्ट इन डायरेक्शन एंड यू नो कॉस्ट्यूम देखना एंड यू नो सब बाकी सब चीज़ें देखना। सो ऐसा नहीं था कि हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ उनका काम करते थे, उनका काम करते करते और भी काम करते थे। सो या इट्स अ टीम वर्क। एंड अब हमने देखा है कि ट्रेलर जो है 20 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है, फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। और एक गाना मेरा बहुत फेवरेट है, कैलाश खेर का, जो अभी अभी आया है, मौला मेरे, दैट्स माय पर्सनल फेवरेट। लाइक जब मैं रिकॉर्डिंग पे गई थी मैं उस गाने के, और वो रिकॉर्डिंग सुनते वक्त ही लाइक यू नो आई कुड नॉट वेट फॉर दिस सॉन्ग टू जस्ट कम आउट। तो गाने तो बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 20 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। आई जस्ट होप कि इससे ज़्यादा मिलियन लोग मूवी देखने जाए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस फिल्म को, लाइक आप जितना मैं जानता हूँ 2018 से लेके, नहीं 18 नहीं 2012 से लेके 12 से, हमने सुना था कि 18 में जो है अब रिलीज हो जाएगी, लेकिन हाँ वो भी नहीं, फिर 19 में भी नहीं हो पाई। तो आप फाइनली, तो कोई खास वजह सर की इतनी दिक्कतें, या फिर आपने ही आपकी तरफ से
नहीं, मेरे तरफ से नहीं था। एक तो ऑथेंटिसिटी का ख्याल रखना था, एक अलग मुल्क है, दिल्ली में तो है नहीं, कहाँ नहीं कि जाके पूछ ले, घर वालों से बैठ के बात कर ले। सिक्योरिटी रीजन से इनसे रबता नहीं हो पा रहा था, ये लंदन में रह रहे थे, इनका इलाज जारी था, फिर उनका स्कूलिंग शुरू हो गया। पाकिस्तान में जब पूछते थे तो उनको कॉन्फिडेंस में लाना बड़ा मुश्किल काम था कि वहाँ के मुझे डिप्लोमेट से उनका रिपोर्ट चाहिए था, वहाँ के ऑफिसर से चाहिए था, वहाँ के पोइट से, तो वहाँ के जर्नलिस्ट से, वो भरोसे में लाने में मुझे कई महीने लग गए। फिर वो लोग जब सारी बातें हमको दे दिए, इन्फॉर्मेशन सारा हमको मिल गया, तो वो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।